नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस के एम कार ड्राइव हैशटैग ऑटोमोबाइल्स चैनल पर। दोस्तों, पिछला वीडियो मैंने बनाया था भारत में सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली डीजल गाड़ियों के ऊपर। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली 8 पेट्रोल गाड़ियों के बारे में। और इस वीडियो में हम जो भी गाड़ी आपको बताने वाले हैं उनका प्राइस होगा 3 लाख रुपये से 7 लाख रुपये के बीच, वो भी ऑन रोड प्राइस। तो सीधे आते हैं टॉपिक पर और देख लेते हैं 8th पोजीशन की गाड़ी को, Hyundai Grand i10 Nios। इस गाड़ी में 1197 cc का इंजन दिया गया है जो 82 bhp की पावर और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस गाड़ी के पेट्रोल इंजन में 21 kmpl तक का माइलेज क्लेम किया जाता है। इस गाड़ी के पेट्रोल इंजन में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन दिया हुआ है। ग्रैंड i10 Nios का पेट्रोल वेरिएंट दिल्ली के अंदर ऑन रोड 5.76 लाख रुपीस से शुरू होकर 8.89 लाख रुपीस तक का मिल जाता है। अगली गाड़ी है मारुति एस्प्रेसो। इस गाड़ी में 998 cc का इंजन दिया गया है जो 67 bhp की पावर और 90 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस गाड़ी में 21.53 kmpl तक का माइलेज क्लेम किया जाता है। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन इस गाड़ी में मिल जाता है। मारुति एस्प्रेसो दिल्ली में ऑन रोड लगभग 4.05 लाख रुपीस से शुरू होकर 5.43 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। चलिए देखते हैं इससे और ज़्यादा माइलेज देने वाली पेट्रोल गाड़ी को, जो है मारुति सेलेरियो। इस गाड़ी में 998 cc का इंजन दिया गया है जो 67 bhp की पावर और 90 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस गाड़ी के पेट्रोल इंजन में 21.63 kmpl तक का माइलेज क्लेम किया जाता है। इस गाड़ी में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन दिया हुआ है। दिल्ली के अंदर ये गाड़ी 4.84 लाख रुपीस से शुरू होकर 6.09 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। इस वीडियो में ज़्यादातर मारुति की गाड़ियाँ ही दिखने वाली है और अगली गाड़ी भी मारुति की है, मारुति स्विफ्ट। इस गाड़ी में इंजन दिया गया है 1197 cc का जो जनरेट करता है 82 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 21.21 kmpl तक का माइलेज इस गाड़ी में क्लेम किया जाता है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी 5.73 लाख रुपीस से शुरू होकर 8.99 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। अगली गाड़ी है मारुति वैगनर। इस गाड़ी में दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिल जाता है। पहला 998 cc का इंजन जो 58 bhp की पावर और 78 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, और दूसरा 1197 cc का इंजन जो 81 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस गाड़ी के 998 cc वाले इंजन में 21.79 kmpl तक का माइलेज क्लेम किया जाता है। दोनों ही इंजन में मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी दिया हुआ है। ऑन रोड प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से ये गाड़ी 4.89 लाख रुपीस से शुरू होकर 6.52 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। अगली गाड़ी इस वीडियो की मारुति की नहीं है, लेकिन ये गाड़ी मारुति ऑल्टो की कॉम्पिटिटर है, रेनो क्विड। इस गाड़ी में ऑल्टो से बेहतरीन लुक मिल जाता है, ऑल्टो से बेहतरीन इंटीरियर मिल जाता है और बिल्ड क्वालिटी भी ऑल्टो से बेहतर ही मिलती है। इस गाड़ी में दो इंजन ऑप्शन मिल जाता है। पहला 799 cc का इंजन जो 53 bhp की पावर और 72 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, और दूसरा 999 cc का इंजन जो 67 bhp की पावर और 91 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस गाड़ी के 999 cc वाले इंजन में 21.74 kmpl और 799 cc वाले इंजन में 22.3 kmpl तक का माइलेज क्लेम किया जाता है। ये गाड़ी दिल्ली के अंदर ऑन रोड 3.29 लाख रुपीस से शुरू होकर 5.58 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। अगली गाड़ी वही है जिसकी हम बात कर रहे थे रेनो क्विड के साथ, मारुति ऑल्टो। इस गाड़ी को बहुत पसंद किया गया है कई सालों से। ये लगातार भारतीयों की पहली पसंद बनी हुई है, जिसका कारण इस गाड़ी का बेहतरीन माइलेज और कम प्राइसिंग है। हाल फिलहाल इस गाड़ी में 796 cc का इंजन दिया हुआ है जो 47 bhp की पावर और 69 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस गाड़ी में 22.05 kmpl तक का माइलेज क्लेम किया जाता है। सिर्फ एक मैनुअल ट्रांसमिशन ही इस गाड़ी में दिया हुआ है। ये गाड़ी दिल्ली के अंदर ऑन रोड 3.24 लाख रुपीस से शुरू होकर 4.76 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। ऑल्टो का एक और वेरिएंट था जिसमें K10 सीरीज का इंजन दिया हुआ था, जिसमें लगभग 24 kmpl तक का माइलेज भी क्लेम किया जाता था। हाल फिलहाल वो इंजन डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। बहुत जल्द मारुति ऑल्टो का फेसलिफ्ट आने वाला है, जिसमें वही इंजन फिर से मिलने की उम्मीद है। इस वीडियो की लास्ट गाड़ी है डैटसन रेडिगो। इस गाड़ी में 999 cc का इंजन दिया हुआ है जो 67 bhp की पावर और 91 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस गाड़ी में भी लगभग 22.05 kmpl तक का माइलेज क्लेम किया जाता है। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन इस गाड़ी में दिया हुआ है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी 3.11 लाख रुपीस से शुरू होकर 5.20 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। तो ये थी वो गाड़ियाँ जो लगभग 3 लाख रुपए से 7 लाख रुपए के प्राइस पर मिल जाती है।
और पेट्रोल इंजन में सबसे ज़्यादा माइलेज निकाल कर देती है इस प्राइस पॉइंट पर। आपके कोई सवाल है या आप किसी भी गाड़ी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में। अपना ध्यान रखें, टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट ज़रूर पहने और फोर व्हीलर चलाते समय सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।